लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंजो निवासी शंभू प्रसाद ने आपसी विवाद में अपनी पत्नी कोमल देवी की बीती रात चाकू से मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद मंगलवार की सुबह मनिका थाना प्रभारी सह प्रशिक्षु डीएसपी प्रदीप कुमार साव, राणा भानु प्रताप सिंह, राजकुमार तिग्गा ने घटनास्थल से महिला कोमल देवी के शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया। इधर मनिका पुलिस ने कोमल देवी उम्र करीब 35 वर्ष, इनके घर पे इनका शव पड़ा हुआ था। जांच के विषय में हम लोग उनके घर गए, वहाँ पे देखा गया कि उनका इस शव में गले में धारदार चाकू से चोट के निशान हैं और पेट में भी कई जगह चोट के निशान हैं। हत्या का कारण प्रतीत होता है कि धारदार चाकू से गला लटकर हत्या किया गया। हत्या का कारण वहाँ पे उपस्थित ग्रामीणों और आसपास के परिजनों से पता चला है कि उनके बीच में घरेलू विवाद हमेशा से होते रहे हैं और ये एक अभी तक हमें पता चला है कि घरेलू विवाद है। अन्य बिंदुओं पे भी जांच की जा रही है। हत्यारा अभी घर पे नहीं मिला है, उसकी गिरफ्तारी और उसके खोजबीन की जा रही है। इसमें किसी प्रकार की जानकारी मिलने पर आपको सूचित करें।